हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंजूस मक्खी जूस नाम की मूवी के बारे में, जो कि आपको G5 पे देखने के लिए मिल जाएगी। बात करें देखो बेसिक स्टोरी के बारे में, तो इसमें जमुना प्रसाद नाम का एक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, जो कि इसमें कुणाल खेमू प्ले कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं। उनके देखो कंजूसी का जो लेवल होगा वो आपको मूवी में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें इसमें कहानी के ट्विस्ट के बारे में, तो यहाँ कह सकते हो कंजूस इतने ज्यादा होते हैं कि वो कुछ पैसे वगैरह जोड़ लेते हैं ताकि अपने माता पिता को चार धाम के लिए भेज सके। अब वो चार धाम के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन वहां पे कहानी में आता है ट्विस्ट कि वहां कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनकी जो लाइफ है वो अपसाइड डाउन हो जाती है। वो अपसाइड डाउन कैसे होने वाली है और उसके बाद में जो उनके साथ में जो भी फनी चीजें इंसिडेंट होने वाले हैं वो सब क्या होने वाले हैं, सब जानने के लिए आपको इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। जो इसमें हमारे कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जमुना प्रसाद का, उनकी जो राइटिंग की गई वो काफी बढ़िया की गई, मतलब उनके कंजूसीपन को दिखाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मूवी के अंदर आपको एक या दो गाने देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से पहला वाला गाना होता है उसकी कोई इतनी खास जरूरत है नहीं, लेकिन वो मूवी की डिमांड थी क्योंकि उसके अंदर स्टोरी चलती रहती है बैकग्राउंड में। बात करें मूवी की पेसिंग की, तो मूवी की पेसिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट रखी गई है, मतलब जल्दी सारी चीजें होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको मूवी के अंदर जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो कनेक्शन जो होता है ना, कैरेक्टर कनेक्शन, वो लिटरली मेरा तो नहीं हुआ था। अब देखो मूवी की जो स्टोरी टेलिंग देखने के लिए मिलेगी, उसका एक ग्राफ देखने के लिए मिलेगा कि मूवी स्टार्टिंग में आप कह सकते हो कॉमेडी जोन से चलती है, उसके बाद में एक इमोशनल एंगल आता है, फिर देन जो है उसके साथ में जो ट्विस्ट जो आता है वहां से फिर दोबारा वो कॉमेडी में चली जाती है। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में फर्क रहने वाला है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा इमोशनल और ड्रामे में ज्यादा फोकस करता है और सेकंड हाफ पूरा प्योर कॉमेडी पे जाता है। बात करें इसकी कॉमेडी की, तो कॉमेडी ऐसी नहीं है कि फोर्सफुल है कि आपको जबरदस्ती हंसना ही पड़ेगा, लिटरली ऐसे ऐसे डायलॉग इसमें डाले गए हैं जो कि सिचुएशन के दौरान आपको चेहरे पे हंसी ला देते हैं। अब देखो इसमें आपको राजू श्रीवास्तव भी देखने को मिलेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस की मैं यही कहना चाहूंगा, देखो वो अपना काम बेहतरीन करते हैं। और यहाँ पे एक तारीफ जो है श्वेता तिवारी की भी होगी, जो कि इसमें जो आप कह सकते हो जमुना प्रसाद की वाइफ देखने के लिए मिलती है। उन्हें जो अपने कैरेक्टर को पकड़ा है, लिटरली जो उनकी बातें देखने के लिए मिलती है, जिस पतली आवाज में वो बात करते हैं, वो लिटरली काबिले तारीफ है। बात करें अब देखो इसे फैमिली के साथ चेकआउट करने की, तो आप इसे फैमिली के साथ चेकआउट कर सकते हो आसानी। और एंड देन कंक्लूजन की बात की जाए कि मूवी कैसी है, तो मैं ये कहूंगा देखो अभी जो है कुणाल खेमू की इससे पहले एक मूवी आई थी पॉपकॉर्न, तो उससे तो काफी लाख गुना अच्छी है। ये वाली मूवी काफी ज्यादा पसंद आई, उसके मुकाबले तो काफी बढ़िया। और बस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मूवी के बारे में कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि मैं और ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन करूं। मूवी एक डिसेंट है, एवरेज है, तो एक बार इसे मौका दे सकते हो। उम्मीद करता हूं रिव्यू समझ में आ गया होगा। रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू डोना के मैसेज पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते वीडियो को एंड, आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।